जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर, आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों ने लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा, छठा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में मैंने आप सभी मित्रों को लासा और मासा वास्तविकता में होता क्या है, कहते किसे, इसके बारे में मैंने विधिवत से चर्चा की, और दोस्तों लासा और मासा ज्ञात करने की विधियों के बारे में भी मैंने विधिवत से आप सभी मित्रों को समझाया सिखाया है। ठीक है, आगे की दोस्तों मैंने 4 लेक्चर जो कराए हैं उसमें लासा से संबंधित प्रश्न दोस्तों मैंने कराए हैं। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने सभी टाइप के प्रश्नों को कराने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने बहुत अच्छे से लगाया होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा। दोस्तों मैं जितने प्रश्नों को आपसे पूछता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, और वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर किया करें, इतना ज़्यादा शेयर किया करें जिससे सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुँच सके। दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर क्लासें प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसे आप लोगों को पेड कोर्स में कंटेंट देखने को मिलता है, पढ़ाया जाता है, उस तरीके से मैं आपको बिल्कुल फ्री में YouTube पे क्लासें प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप सभी मित्रों की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को शेयर जरूर किया करें, और क्या कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी। मैं आप सभी मित्रों को जो मैं सिखा रहा हूँ आप अच्छे से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ये जरूर बताया करें। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उनके उत्तर दोस्तों जरूर दिया करें। आज की क्लास में दोस्तों जो मासा है उसकी जो विधियाँ हैं उस पर दोस्तों प्रश्न कराएंगे, यानी कि मासा की विधियों पर दोस्तों प्रश्न आज की क्लास में कराएंगे, इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक दोस्तों मैंने टोटल इस चैप्टर में टोटल 28 प्रश्न प्रोवाइड कराए, 28, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 29 से। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न, वैसे आज की क्लास का तो पहला प्रश्न वैसे 29 कह रहा है, 120 कामा 144 तथा 204 का 204 का 204 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। वैसे दोस्तों मैंने लेक्चर 1 में मासा क्या होता है विधिवत से मैंने बताया है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, फिर भी मैं एक बार डिफिनेशन इसकी बता दे रहा हूँ विधिवत से, यदि आपको समझना है तो लेक्चर 1 जरूर देखिएगा। मासा किसे कहते हैं, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे, यानी कि विभाजित कर दे, यानी कि यदि उस संख्या से भाग किया जाए तो शेषफल 0 आए, उसे हम मासा कहते हैं। क्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे वह मासा कहलाती है। ठीक है, वैसे मैंने विधिवत से चर्चा की, लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, उसमें आपको मासा SCF होता क्या वास्तविकता में आप समझ पाएंगे। आपसे कह रहा है 120 144 तथा 204 का अभाज्य गुणनखंड विषय मासा ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे बहुत ही ध्यान समझिएगा। इन तीनों के दोस्तों हम अलग अलग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 120 के 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहा हूं, और 204 के, इनके सभी के दोस्तों आप अलग अलग फैक्टर निकालिए। तो देखिए 120 कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छाक 12 और 60 हो गया, फिर दोस्तों 2 से काटेंगे, 2 3 6 ठीक है 0 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 5 10 ठीक है, अब दोस्तों 3 से काटेगा, 3 5 15 और दोस्तों फिर 5 से काटेंगे, या प्रोसेस तब तक चलता है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब इसको देखिए किससे कटेगा, ये भी दोस्तों 2 से कटेगा, तो 2 सती 14 और 2 दूना 4, फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 3 6 हो गया और 1 12 हो गया, 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2 और 1 16 हो गया, 2 8 16, फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 9 18 और फिर दोस्तों किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 और फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से 3 1 3। अब देखिए 204 किससे कटेगा, ये दोस्तों आपसे कटेगा 2 से, ये भी कटेगा, 2 1 2 0 और 2 दूना 4 ठीक, फिर 2 से कटेगा, 2 5 10 हो गया, 2 1 2 51 हो गया, फिर है समझ पाए कि नहीं। अब दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, 3 से 3 1 3 हो गया और 2 21 हो गया, 3 7 21 और फिर 217 से कटेगा, लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, 120 और 144
तथा 204। इसके दोस्तों फैक्टर क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, इस पर बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों। क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। इसको देखिए 144 कितने, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार, 1, 2, 3, 4 बार। फिर इसको देखिए क्या ले सकते हैं, 3 × 3, यही तो है, 4 बार 2 है तो 1, 2, 3, 4 बार 2 हो गया, तो 3 बार 3 है लिख दिया। उसके बाद 204 की कितना, 2 × 2 × 3 × 17, ये आया दोस्तों हमारे 204 के, 2 × 2 × 3 ×17। अब ध्यान समझिए, देखिए इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखिए 1, 2, 3, 2 को 3 बार लिखा गया, इसे 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, फिर 3 × 5 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। दो दो तरीके बताऊंगा आपको मासा ज्ञात करने की। इसी में देखिए 1, 2, 3, 4, 2 को 204 बार लिखा गया है, इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ दोस्तों क्या है, 2 को 2 बार लिखा गया यानी कि 2 की पावर 2 हो गया, 3 × 217 हो गया। समझ पाया कि नहीं, क्या किया, देखिए 2 × 2 × 3 बार लिखा था इसलिए मैंने 2 की पावर 3 लिख लिया, 2 की पावर 3 का मतलब इतना, 2 × 2 × 2 ही तो हुआ, फिर 3 × 5 अकेला अकेला इसलिए अकेला अकेला ही रखा। उसके बाद 2 × 2 × 2 × 2 4 बार है इसलिए 2 की पावर 4 हो गया, और 3 2 बार था, 3 × 3 इसलिए 3 की पावर 2 हो गया, यहाँ 2 × 2 2 बार है, 3 × 17 हो गया। अब ध्यान समझिए क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, 120, 144 तथा 204 का अभाज्य गुणन खंड विधि से मासा बराबर SCF क्या होगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। मैंने जो लिखा है इसमें देखिए जो तीनों में कॉमन, बस इतना ध्यान रखना, मासा का मतलब जो तीनों में कॉमन होगा केवल केवल वही लिखा जाएगा, मतलब इन तीन पद है ना, 1, 2, 3 है, मतलब इन तीनों पदों में जो कॉमन होगा, अच्छा यदि 2 पद होंगे तो जो 2 पद में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, यदि 3 पद होंगे तो 3 पदों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, यदि 4 पद होगा जो 4 पदों में कॉमन होगा केवल और केवल उसी को लिखा जाएगा। देखिए यहाँ क्या, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 2, पहले देखेंगे तीनों में कॉमन क्या, 2 तीनों में मिल रहा, अब 2 की जो मिनिमम पावर होगी इस तरीके से हम लिख लेंगे तो 2 की जो न्यूनतम घात होगी वही दोस्तों हम लिखेंगे, वही हमारा कॉमन होगा। यानी कि देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 2, यानी कि 2 की मिनिमम पावर कितनी, 2 की पावर 2, उसको लिख लिया, गुणे लगा ली, कोई दिक्कत भाई, 2 की पावर 2 मिनिमम है भाई, यही कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए और क्या कॉमन मिला, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ देखिए 3 की पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाती है, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 1, जब कोई नहीं तो 1, तो यानी कि सबसे कम 3 की पावर कितनी, 1, उसको लिख लेंगे। यानी दोस्तों इसको जब साल करेंगे 2 की पावर 2 4 × 3 यानी कि 12, यानी कि 12 दोस्तों कितना आएगा, बराबर लगा के मैं 12, ये हमारा फाइनल आंसर रखा है। यानी क्या लिखोगे, अतः 120 144 तथा 204 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा बराबर 12 आएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लिख सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं इसका दूसरा भी तरीका दोस्तों बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये 120 लिखा दोस्तों यहां पर, दूसरा तरीका क्या है बहुत ध्यान समझिएगा, ये तो आप समझ गए ना, दूसरा तरीका दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे आप इस तरीके से ना लिखें, जैसे मैंने पावरों को एक साथ इकट्ठा कर लिया, इस फॉर्म में ना लिखें तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं, ये 12 आंसर आया, इसको ध्यान रखिएगा। अभी कितना आंसर आया, 12 में 12 लिखे, चलो ध्यान रखिएगा, 12 आंसर आया था। अब ध्यान समझिए, देखिए आप देखेंगे इसमें तीनों में कॉमन क्या, देखिए इसमें तीनों में कॉमन, देखिए क्या 2 मिल रहा, तो इस 2 को लिख लीजिए यहाँ पर, फिर गुणा लगा लीजिए, फिर कुछ कॉमन और मिलेगा, देखिए फिर से 2 कॉमन मिल रहा, इस 2 को लिख लीजिए, तीनों में कॉमन, जितने पद होगा उसमें सब में कॉमन होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या, फिर देखिए यहाँ दो में है पर तीसरे में 2 नहीं तो बेकार है, फिर देखिए यहाँ तीन, तीनों में 3 कॉमन ये मिल रहा है, तीनों में क्या ये वाला 3 दोस्तों कॉमन मिल रहा है, यानी कि इस 3 को गुणे में लिख लेंगे, इस गुणे को 3 में, गुणे 3 कर लिया। आज देखिए इसके अलावा ऐसा कोई भी टर्म नहीं जो तीनों में कॉमन मिले। अब देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, देखिए अभी भी 12 आया। तो जैसे दोस्तों आपको आसान लगे, चाहे पावर में कन्वर्ट करके लिख लीजिए, चाहे इस तरीके से लिखे, जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, अगला देखिएगा 30 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, थर्टी नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है,
बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। कह रहा है एक सौ पच्चीस कामा 220 तथा 275 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। 125, 220 तथा 275 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न दोस्तों ऐसे और देख लीजिए, यदि कुछ थोड़ा बहुत इसमें डाउट रह गया होगा तो मुझे उम्मीद है कि जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लिया ना आपने, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा। क्या कह रहा है अगला, 125, 220 तथा 275 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। यानी इसमें भी क्या करेंगे, 125 225 इसके अलग से फैक्टर निकालेंगे, 220 के भी 200 अलग से फैक्टर निकालोगे एंड 275 के दोस्तों आप अलग से फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, देखिए किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, 5 2 7 1 8, तो ये डायरेक्ट 5 ही से कटेगा। देखिए 5 2 10 हो गया, और 5 2 10 हो गया, और 2 25 हो गया, 55 25 हो गया, फिर 5 से काटे, 55 25 और 5 1 5। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये किससे कटेगा, ये तो 2 से कटेगा, तो देखिए 2 1 2 2 1 2 0 हो गया, फिर 2 से कटेगा, देखिए 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। ठीक है, 2 5 10 2 5 10 हो गया। देखिए अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 5 5 1 5 और किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 1 11 हो गया। अब ये देखिए किससे कटेगा, ये कटेगा 5 7 2 9 और 9 5 14, यानी कि 5 ही से कटेगा, ये 3 से तो कटेगा नहीं। देखिए 55 25 हो गया, 55 25 हो गया। ठीक है भाई, 27 से 55 25 2 बचा, फिर 25 हो गया, 55 25 हो गया, फिर 5 से काटे, 5 1 5 हो गया, 5 1 5 हो गया, फिर 211 से कटेगा डायरेक्ट। ठीक है, ये क्या, ये प्रोसेस तब तक चलता है लास्ट में एक ना आ जाए। यानी दोस्तों यहां पर दोस्तों क्या निकल के आया, 125, फिर कितना 220 और फिर 275, इनके सबके दोस्तों क्या है अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखिए 5 × 5 × 5। ठीक है, उसके बाद कितना, 220 के 2 × 2 × 5 × 11 आया, यही तो आए, 2 × 2 2 बार है, 5 × 11 हो गया। फिर देखिए 5 × 5 × 11, 275 के तो 5 × 5 × 11, तो दोस्तों क्या लिखोगे यहाँ पर, 125, 220 तथा 275 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा बराबर। अब देखिए इन तीनों में जो कॉमन होगा वही लेंगे, देखिए 5 है, देखिए 5 यहाँ ना जा रहा है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ, यानी कि ये वाला 5 दोस्तों हम कॉमन ही लेते हैं, ले क्या लेते, यही 5 कॉमन है, तो ये 5 हो गया दोस्तों हमारा। इसके अलावा कुछ और मिल रहा है, देखिए यहाँ 5 है, देखिए सेकेंड वाले अब कहीं 5 नहीं, यहाँ भी 5 नहीं, तो बेकार है, यानी दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 125, 220 तथा 275 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा बराबर 5, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अगला दोस्तों देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। 31 नंबर कह रहा है 156 221 तथा 364 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात की, जैसे मैंने किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों हम अगली विधि पर चलते हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं। 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर देखिएगा, 32 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बहुत ध्यान से, कह रहा है कि 323 कामा 456 तथा 722
का 323, 456 तथा 722 का भाग विधि से, डिवीजन मेथड, भाग विधि से मासा बताइए या कहेगा ज्ञात कीजिए। आपसे कहेगा भाग विधि से मासा बताइए या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। 323 है, 456 है और कितना है 722। इसका दोस्तों किस विधि से निकालना है? भाग विधि से, डिवीजन मेथड से दोस्तों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बहुत ही ध्यान से समझिए दोस्तों। 323, 456, 722 कितनी संख्या है हमारे पास? 323 है, 456 है तथा 722, ये दोस्तों हमारे पास तीन संख्याएं दे रखी हैं। अब देखिए भाग किससे निकालना है, तो जैसे भाग करते हैं वैसे करेंगे। क्या सबसे छोटी संख्या दोस्तों यहाँ 323, इसको ले लिया। उसके बाद इससे बड़ी कितना? 456। देखिए आप जानते होंगे, देखिए ये जैसे आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक यहाँ होता है भाज्य, यहाँ दोस्तों आता है भागफल, इससे तो आप परिचित होंगे है कि नहीं। और यहाँ बीच में लिखा जाता है और बीच में शेषफल, ये आप जानते कि नहीं जानते? इससे तो आप परिचित हैं, ये जानते कि नहीं जानते? यानी कि यहाँ जैसे लिखा होता 2/17, तो क्या करते हैं 2/17, तो 2 8 16 हो जाता, 1 आ जाता है यहाँ पर। अब देखिए ये 2 दोस्तों यहाँ पर क्या है? भाजक है। 2 यहाँ पर क्या है? भाजक है। यहाँ दोस्तों बीच में जो 17 है वो भाज्य है। भागफल दोस्तों कितना है? 8 है। 2 8 16 हो गया और शेषफल दोस्तों 1 है। तो दोस्तों ये चीज होती है। अब देखिए क्या कहेगा ये, यानी कि दोस्तों हमारा क्या भाजक है? 323 दोस्तों हमारा क्या भाजक, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको भाजक बनाएंगे। उससे फिर जो बड़ी संख्या होगी उसको क्या बना लेंगे? भाज्य बना लेंगे। इतना कर लोगे? चलिए भाग करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, 323 एकम 323 हो गया, कितना बचा? देखिए यहाँ से 6 में से 3 गया 3, और यहाँ बचा 5, या 6 में से 3 गया 3, या 5 में से 2 गया 3, 33। और यहाँ दोस्तों कितना बचा? देखिए 1, यानी कि सबसे घट जाएगा भाई। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, 133 भागे 323। अब देखिए 2 बार में जाएगा। अब क्या हुआ? जो 133 आया, अच्छा वैसे 133 दोस्तों जो घटा के आया वो क्या बना? हमारा शेषफल बना। पर जो शेषफल बनेगा उसको दोस्तों हम भाजक बनाएंगे। जो शेषफल बनेगा जो घटाने पर आएगा वो शेषफल, उसको भाजक बनाएंगे, ठीक है। और जो दोस्तों यहां पर हमारा भाजक था उसे भाज्य बना लेंगे। इतना भाग विधि में ध्यान रखिएगा, जो शेषफल है उसको भाजक बनाएंगे और जो भाजक यहां पर था उसको भाज्य बना लेंगे। तो 2 बार जाएगा, देखिए 2 3 6 2 3 6 और 2 1 2 हो गया, घटा लीजिए यहां से, यहां से लेगा 13, और 13 में से 6 7, ठीक है। यहाँ दोस्तों बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 1 बचा ना, हासिलेंगे 11 लगे, तो 11 में से और 6 जाएगा दोस्तों, तो 7 बचेगा। 77 बचेगा कि नहीं? अरे भाई बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए? 77 बचा कि नहीं भाई? यहाँ से हमने घटाया, यहाँ से क्या किया हमने? घटा दिया। तो देखिए यहाँ 13 और 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 1, हासिल लिया 11, और 11 में से 6 गया, 11 में से 6 जाएगा, तो 7 क्यों बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। 11 में से 6 जाएगा, 5 ही तो बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इतना बचा, अच्छा यहाँ कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि 157 आया। इसको 33 से भाग करेंगे, 57 से 133 को भाग करेंगे, तो कितनी बार? 2 बार में जाएगा, हाँ चला तो जाएगा। 2 बार लगाते हैं तो कितना आएगा? 2 7 14 हो गया, हासिल आ जाएगा 201, 2 5 10 11, 114 हो गया, ठीक है। घटा लीजिए तो यहाँ से फिर वही कहानी, यहाँ से हासिल लेंगे 13, 13 में से 4 गया, 9 बचा जाके, यहाँ बचा जाके दोस्तों कितना? यहाँ कितना बचा देखिए बताइए भाई? यहाँ बचा देखिए 2 में से 1 गया 1, 19, और यहाँ तो दोस्तों कुछ नहीं, 57 19 3 57 19 3 दोस्तों कितना होता है? 57 होता है, तो 19 3 57 आया दोस्तों। जो लास्ट में हमारा भाजक बचता वो कितना? 19। इस लास्ट में बचे भाजक से हम दोस्तों हम अगली संख्या को भाग करते हैं। भाग यदि पूर्णतया घट जाता है तो 19 ही हमारा दोस्तों मासा हो जाएगा, नहीं कटेगा तो उसके आगे बताएंगे, कट जाएगा तो दोस्तों यही हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा क्या करेंगे हम, जो 19 है इस 19 से दोस्तों हम क्या करेंगे? 722 को भाग करेंगे। सिंपल से करते हैं, देखिए 19 76 होता है, इसलिए 19 57 हो गया,
कितना बचा है कि यहाँ देखिए 12, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ दोस्तों कितना बचा है कि 6 में से 5 का 1, 15 और 2 हो गया। ठीक है, 19 अट्ठी 152 होता ना, तो कट गया ये दोस्तों, पूर्णतः कट गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। पूर्णतः कटने का मतलब क्रास लगा दी, इसका शेषफल 0, यानी दोस्तों 19 ही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः अतः 323, 456 तथा 722 का भाग विधि से मासा बराबर दोस्तों आपका हो गया 19। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट करिएगा। ठीक है, नोट करते रहिए फटाफट। एक प्रश्न दोस्तों मैं और इसके आगे ले रहा हूं, एक और कराऊंगा, थोड़ा सा है भाग भी से ही, पर थोड़ा सा उसमें आपको दिमाग लगाना होगा। देखिएगा, 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, 33, इसको देखो मैंने अभी आपको दिया है, जो मैं प्रश्न लिखने जा रहा हूं इसको मैंने अभाज्य गुणनखंड विषय आपको मासा निकालने के लिए, हमने होमवर्क के लिए दिया है आपको, ठीक है, पर मैं इसको भाग विषय कर रहा हूं। देखिएगा, 156 221 तथा 364 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए या बताइए। बहुत ही ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा दोस्तों एक तो तरीका ये हो गया, मैंने क्या कहा, जो लास्ट में हमारा ये भाजक आता है इसी भाजक से अगली संख्या को भाग करें, यदि पूर्णतः कट जाता मतलब लास्ट में शेषफल 0 आ जाता है तो यही हमारा मासा हो जाता, पर यदि शेषफल 0 नहीं आए तब क्या होगा, अभी देखते हैं ध्यान से, इसको रख कर दूं, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों वीडियो को आप अपने अपने हिसाब से शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है, हाँ इसको बहुत ध्यान समझिएगा। वैसे तो मैंने इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से दिया है, आप निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, क्या कह रहा है, 156 221 तथा 364 का भाग विधि से मासा, क्या 156 221 तथा 364, अब ध्यान समझिए इसमें से क्या सबसे छोटी संख्या कितनी, 156 है तो इसको ले लिया, और इससे बड़ी संख्या 221, तो 256 को 200 भाजक बना लिया, 221 को भाज्य बना लिया, काटते हैं एक बार में जाएगा तो 156 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से हासिल लिया 11, 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचा 201, यहाँ से हासिल लिया 11, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, 11 में से 5 गया 6, अब 156 हो गया, कितनी बार जाएगा ध्यान समझिएगा, ये 200 जाएगा हमारा दो बार में, देखिए 2 × 5 = 10 हो गया, जाके हासिल आ जाके दोस्तों कितना, 1 × 2 = 12 = 13, 130 हो गया, दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाके हमारा 156 221 364, ये तो था, नहीं 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 दोस्तों, चलिए इसको तो मैंने करा दिया है, कर लेना है ये हो जाएगा, चलिए मैं कर देता हूँ, अच्छा मुझे दूसरा प्रश्न लेना था, चलिए मैं करा देता हूँ इसको, 6 नोट कर लिया, यहाँ कितना आ जाएगा 2 = 26 = 65 हो गया, तो 26 दो बार जाएगा, 2 × 12 = 2, 2 × 4 = 5, 52 हो गया, कितना अच्छा 3 × 1 13 × 2 = 26 हो गया, 13 × 2 = 26 हो गया, ये दोस्तों कट गया 0, अभी 0 अगर शेषफल हमारा, तो इस 13 से तो अगले को भाग करेंगे, हो जाएगा एक बार, इस 13 से अगले को भाग करेंगे 364, तो दोस्तों कितना आएगा ध्यान समझिएगा, 13 × 2 = 26 होता है, कितना आ जाएगा 0 और 1 और 4, तेरह अट्ठी 104 होता है, देखिए यही 13 हमारा क्या हो गया, मासा हो गया, क्या लिखोगे, अतः 156 221 तथा 364 का भाग विधि से मासा
से मासा बराबर कितना 13 आ गया। एक देखिए अगला टाइप मुझे लेना है जो इसी में दोस्तों दूसरा टाइप से प्रश्न पूछ सकता है, आप कभी कभार उसमें फंस सकते हैं, इसलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा वो भी भाग विषय ही बताऊंगा पर थोड़ा सा वो डिफरेंस होगा, अलग होगा। 35 नंबर देखिएगा, पैंतीस नंबर ध्यान से समझिए, आपसे कह रहा है 430, 516 तथा 817 का भाग विषय मासा बताइए, 817 का भाग विषय मासा बताइए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इससे, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हल्के मान लीजिए कि जैसे सर ने कराया ऐसा ही होगा, इसमें थोड़ा सा बदलाव होने वाला है। क्या कह रहा है 430 और दूसरी संख्या दोस्तों कौन सी 516 है, तीसरी दोस्तों आपकी 817 है, 817 है ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, छोटी संख्या सबसे बड़ी लेंगे उसको भजाएंगे भाजक, दूसरे बड़ी संख्या को दोस्तों क्या बनाएंगे भाज्य, ठीक है। देखिए कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो 430 हो गया, घटा लीजिए तो 6 बचा जाके, यहाँ से दोस्तों हंसी लेंगे तो 11 और 11 में से 3 जाएगा तो 8, यहाँ तो दोस्तों 4 बचा, 4 बचा जाएगा 086, 430 हो गया। तो कितनी बार दोस्तों जाएगा, 5 बार जाएगा, देखिए 5 छक्का 30 हो गया, हंसी लगा के दोस्तों कितना 3 और 5 8 40 43, ये तो कट गया पूरा पूरा 86 आ जाके, क्या 5 छक्का 30 हो गया और 5 8 40 43 86। अब इस 86 से अगली संख्या जो है 817 इसको भाग करेंगे, यदि यह 817 86 से पूर्णतया विभाजित हो गया समझेगा तो दोस्तों ये 86 ही हमारा मासा हो जाएगा, ये नहीं विभाजित होगा तो क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा 86 दोस्तों तो कितनी बार 9 बार में चला जाएगा, देखिए 9 बार में जाएगा, 9 6 54 के 4 हासिल आया के दोस्तों कितना 9 6 54 के 4 हासिल आया 5, 9 8 72 और 72 5 77 774 हो गया, घटा लीजिए तो 7 में से 4 गया 3, यहां से हासिल 11, 11 में से 7 जाएगा 4, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 7 में 43। अब देखिए ध्यान समझिए, मैंने अभी कहा था जैसे जो यहाँ आता है जो यहाँ भाजक होता है उस भाजक से दोस्तों हम क्या अगली संख्या को भाग करते हैं, यदि इस भाजक से अगली संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो यही हमारा मासा हो जाता है, पर यदि नहीं विभाजित होती, देखिए यहाँ 43 आया, अब देखिए ये जो शेषफल है, शेषफल है जो भाजक से कम है, और यदि दोस्तों यह हमारा क्या भाजक से ज़्यादा होता तो फिर से हम लगा सकते थे, इसमें लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे, पर नहीं, तो दोस्तों वही काम इसमें भी करेंगे, क्या वही काम इसमें भी करेंगे जो हमारा शेषफल आया है, इस शेषफल को दोस्तों हम क्या बना लेंगे पुनः, इस शेषफल को क्या बनाएंगे हम भाजक बनाएंगे, और जो यहां पर हमारा भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे, बस इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया, क्योंकि कभी कभार फंस सकता है ऐसा प्रश्न है तो कहेंगे सर आपने इसके आगे तो बताया नहीं अब हम कैसे करें, है कि नहीं, तो जो शेषफल आया है उसको पुनः हम क्या बना लेंगे भाजक बना लेंगे, और जो भाजक उसको भाज्य बना लेंगे। आप देखिए 43 दूना तो 2 3 6 हो गया और 2 4 86 हो गया, कट गया। अब दोस्तों जो यह लास्ट वाला दोस्तों जो आया हमारा भाजक, लास्ट वाला जो भाजक आएगा वही हमारा मासा होगा, जो भी लास्ट वाला भाजक होगा, बाई चांस यही लास्ट वाला भाजक 86 से कट जाता तो लास्ट वाला भाजक ये था, लास्ट वाला भाजक ये था, पर दोस्तों ये 86 से नहीं कट रहा है तो लास्ट वाला भाजक 43 आया, तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः 430 516 तथा 817 का भाग विधि से मासा बराबर 43, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। एक प्रश्न और जो होमवर्क के लिए है, कह रहा है 36 नंबर 36 कह रहा है 408 510 तथा 765 ठीक है 408 510 तथा 765
का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। 408, 510 तथा 765 जो भी मैंने प्रश्न आपसे पूछे उनके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मासा की जो विधियां हैं अभाज्य वर्णखंड विधि और भाग विधि, ये दोनों विधियां आप सीख चुके हैं। अच्छा दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में सिर्फ यही कहता है कि 408, 510 तथा 765 का मासा ज्ञात कीजिए, कोई विधि उसमें मेंशन नहीं करता है, तो दोस्तों चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाइए चाहे भाग विधि से लगाइए, दोनों विधि से दोस्तों आंसर सेम ही आता है, दोनों विधि से आंसर क्या सेम ही आएगा। आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, यानी कि यदि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि अच्छी लगती है, आसान लगती है, तो आप उस विधि से लगा लीजिए। यदि आपको भाग विधि आसान लगती है तो भाग विधि से लगा लीजिए। मेरे हिसाब से यदि आप भाग विधि से लगाएंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, बाकी आप जो विधि आपको आसान लगती है उस विधि से लगा सकते हैं। मैंने बता दिया, जब प्रश्न में जब तक भाग विधि अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लिखी होगी तो आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, और यदि स्पष्ट कर दिया जाता है कि इसको भाग विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो आप उसी विधि से करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज आपकी मासा ज्ञात करने की जो विधियां हैं उससे मैंने जो प्रश्न कराए वो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। कल आगे और आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी मित्रों तक पहुँच सके। जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।